ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। मैं आया था अभी और मैंने कहा भिंडी बना देते हैं ना, मार्केट से होकर आ गया था, शॉप से आ गया था, तो मैंने कहा चलो भिंडी बनाते हैं, तो अलग ही भिंडी बना दो। मैंने कहा ठीक है भिंडी बनाते हैं आज, बिल्कुल सिंपल सी भिंडी बनाएंगे। गाइस आज बन रही है भिंडी मस्टर्ड ऑयल के अंदर, भिंडी बन रही है। मस्टर्ड ऑयल मैंने चढ़ा दिया है गैस के ऊपर, उसका धुआं निकलेगा और भिंडी फ्रेश एकदम काट के मैंने रख ली है। तो गाइस मस्टर्ड ऑयल में से धुआं निकलना हो चुका है, धुआं निकल चुका है सर मस्टर्ड ऑयल में। तो गाइस प्याज झाड़ चुके हैं, बढ़िया से फ्राई हो गया। हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया था इसलिए लेट हो गई डॉली, अब सिलेंडर लगा लिया। मैंने सारा तैयार करके रखा हुआ था, मैंने करूंगी अभी। सिलेंडर ख़त्म हो गया था, सिलेंडर लगाया अभी सिलेंडर लगाया या सिलेंडर का ही, हमारे यहाँ पे गैस का कनेक्शन नहीं है, वो सही है जहाँ पे गैस का कनेक्शन है, हमारे सिलेंडर है, हमें प्रॉब्लम आती है। डॉली ने सिलेंडर लगा दी, मैंने चलो यार आके थोड़ा सा लगी हुई मैंने कहा हेल्प कर देते हैं, बना देते हैं बढ़िया। ज़्यादा प्याज को आपने फ्राई नहीं करना, हल्का सा पिंकिश कर देना है, इसके बाद डाल देंगे भिंडी। अंकल भिंडी अंकल गई, अब ये हमारी लेडी फिंगर भी इसमें चले गई है। डॉली कहती लेडी फिंगर आदमी नहीं है, औरत है, मतलब ही नहीं है, शी है। भिंडी अंकल मगर भिंडी अंकल ही आंटी है, भिंडी आंटी हो गया, लेडी फिंगर है ना ये लोग, लेडी फिंगर बोल रहे। मैं वो लेके आया हूँ काकू, साठ का ब्लू बेरी लाने के लिए। ब्लू बेरी बड़ी महंगी है यार, 1000 रुपए किलो है, 1000 फ्रेश है मगर अच्छी। जामुन 480 रुपए किलो डाली, पेड़ से तोड़ के ऐसे खाया करते थे, 480 रुपए किलो। गांव में भैया हम लोग 480 रुपए, कुछ देने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बस। तो गाइस बनाएंगे अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे आपको, वनीला और ब्लू बेरी शेक बनाएंगे बढ़िया सा, कैरेमल करके मस्त वाला शेक बनाएंगे। चले गया नमक मिर्च, नमक और हल्दी डाले, मिर्च आप डालोगे, मैं नहीं डालूंगा। मिर्च आप डालोगे वो, इसलिए कि आपकी मुंह पका हुआ है ना, तो आपको जितना खाना उतना डालना है। लाल मिर्च मैंने डाल दिया, देगी मिर्च डाली, वो ज्यादा तीखी नहीं होती कलर के लिए। गाइस लगता है मिर्च ना ज्यादा डली है मुझसे यार, भाई साहब अमचूर पाउडर भी लास्ट में डाल दिया था टॉली ने, और भिंडी तकरीबन फाइनल अभी 2-3 मिनट में। ब्लूबेरी है, भिंडी है और दूध है और रोटी है, भोग लग रहा है भगवान जी को। गाइस बस डॉली हो रही है तैयार, जाने के लिए मार्केट जा रहे हैं तिलक नगर मार्केट में। यार फ्रिज के लिए कुछ सामान सामान लेके आना था, नीचे बिछाने के लिए शीट चाहिए थे, कर्टन वगैरह देखने थे और सामान लेके आना था। और मैडम जी हो गई है तैयार, बिना कहीं बिना कहीं जल्दी नहीं हो गए, 5:30 हो गए हैं बस। इसको मैं आधा घंटा घुमा दूंगा और फिर घर में फेंक दूंगा, घर में छोड़ दूंगा, मतलब फेंकने का मतलब होता है। आप फिर वापस दुकान पे चले जाऊंगा, चाय ले लिए। आज थोड़ा सा लेट ही आया था गाइस, मैं 4 बजे आया था मैं, और बस काकू गया हुआ ट्यूशन और हम जा रहे हैं शॉप पर आया हुआ था, ये मैडम भी साथ में आ गई थी, वो कस्टमर आ गया था बीच में, काम छोड़ के आ गए, अब जा रहे हैं मार्केट। ये वाले चलते हैं फ्रिज के नीचे, ये वाला भैया के पास कर्टन्स भी हैं, इसमें से ये बड़े वाला ले लें सर, जम्बो बड़े बड़ा ले लेंगे, देख लेंगे ठीक है ना, क्योंकि कटिंग करनी है तो वो खराब जाएगी, खराब नहीं जाएगा ना। फिर फ्रिज के ऊपर कवर करने के लिए, अलमारी के ऊपर, अलमारी के ऊपर भी रखने के लिए चाहिए तुझे चलता ठीक है। ये खाना खाने के लिए मैट देख ले, एसी कंफर्टेबल, ये देख खोल के पहले, ये पिंक वाला देख, ग्रे में कलर देख, दोनों अलमारी और फ्रिज के ऊपर बिछाने के लिए एक ही जैसा ले लेते हैं, सेम ले लेते हैं, ये भी अच्छा लग रहा है ना। अच्छा, ये दोनों सेम है, सेम एक जैसे ले लेंगे ना, ग्रे कलर ठीक है। दिखाना प्रिंट दिखाना जरा, ये दोनों, हाँ दोनों आ जाएंगे ना, उसके ऊपर शीटें आ जाएंगी, अलमारी के ऊपर भी आ जाएगा, फ्रिज के ऊपर भी आ जाएगा ये वाला ठीक है ना। ये सही ले लिया शीट, और कुछ सामान, और कुछ सामान इसके फ्रिज के वो चाहिए ना, खोल के दिखाना जरा। अब बेडशीट भी लेनी है, देख रही थी मैं कि मैचिंग ले लूं ना वॉल के साथ थोड़ा। ये अच्छा लग रहा है यार, ग्रे देखो पूरा खोलना यार, ये ग्रे पकड़ियो डॉली, भैया खोल के दिखा रहे हैं। हाँ यार अच्छी लगेगी डॉली बिछी हुई, बहुत प्यारी लगेगी ये वाली। हाँ ये तो ले ले भाई, यह तो पैक कर दो सर, पैक कर दो ले ले। मुझे ये भी कलर अच्छा लग रहा है काफी, ये भी अच्छा लग रहा है वैसे, ये देख बाबू, ये देख आप, देखो अब देख ले जो तेरा दिल करे वो ले ले, आप बताओ ना कौन सा, अक्कड़ बक्कड़ कर ले या दोनों ले ले,
ये सब डिजाइन लगे हुए सारे ग्रे में, हाँ सारे लगे हुए हैं। ये लाइट ग्रे है, डार्क ग्रे है, हाँ असी ब्लॉग बनाने वैसे साढ़ा काम ही है, यू की करिए यार हमारा काम ही यही है। आए तो कटन्स देख ले, अगर पसंद है तो ले ले, अगर बनवाने हैं तो देख ले जैसे तेरे को पसंद आ रहे हैं। बहुत सारे कटन्स कटन्स मैंने लगाए हुए सारे, ये देख ले। आपने क्या मतलब प्रिंट प्लेन में लगाना है, डिजाइन में लगाना है, ये भी अच्छा लग रहा है ये नेट स्टाइल में ना सारा अच्छा लग रहा है। टिश्यू नेट है ना जैसे, वैसे ये भी अच्छा ग्रे लगेगा। ये देख वो सेंटर वाला ग्रे जाके देख ये वाला बड़ा प्यारा लग रहा है। मैं वो ही तो कह रहा हूँ अच्छा, तुझे अच्छा, खोल के दिखाना सर, हाँ वाला खोल के दिखाना कितना प्यारा लगेगा। पैनल डिजाइन के अंदर है, अच्छा लग रहा है ना। हमारे तो पैनल डिजाइन ही है, अच्छा लगेगा ये। हाँ, बहुत सुंदर लग रहा है ग्रे में, सही लग रहा है ना। और देख ले कोई पसंद आए तो। वैसे पर्दे तो खैर हमारे कामयाब नहीं है। चले जी चलो, ये ग्रे में पड़ रहा है, ग्रीन ग्रीन में पड़ रहा है, ग्रे में है, डार्क ग्रे में। हाँ डार्क ग्रे में ले ले, सही है। काकू का फोन आया कुछ यार, इसके से देख ले भैया। एसी कंफर्टेबल देख रही है हम, भूल के आ रही है। सलाल की फुल्की से शॉपिंग कर ली है, इधर आ जाइए। बेड शीट, बेड शीट एक पसंद आ गई है वो ले लिया, अच्छी लग रही थी मुझे। और बाकी थोड़ा सा और सामान ले लिया है, कटन सभी समझ नहीं आ रहे हैं, वो देखते हैं बाद में। अब काकू का मेन है, काकू का ना फोन आ गया है कि पापा कुछ खाने के लिए ले आना। अच्छा बस आ गए थे हम घर पे, ये ट्यूशन से आ चुका, पढ़ाई करके आ गया था। चलो ठीक है जी डॉली, अब मैं जा रहा हूँ शॉप पे, फिर आता हूँ मैं रात को, फिर चलेंगे सैटरडे मार्केट चलेंगे। सैटरडे मार्केट से कुछ लेकर आएंगे, ठीक है। सैटरडे मार्केट से बाकी सामान लेके आते हैं। तो गाइस ये वाली बेडशीट ले ली हमने, डार्क वाली मेरे को पसंद आ गई, मैंने कहा चलो ये ले लेते, अच्छी लगेगी यार। ब्लूबेरी मिल गई थी, बहुत ही बढ़िया टेस्ट किया, खोल के दिखा दो डब्बा एक बार ज़रा, नंबर वन है, बहुत बढ़िया ब्लूबेरी। भैया से मैंने ले लिया ब्लूबेरी और एवोकाडो ले लिया, सही निकलेगा ना उस्ताद जी एवोकाडो। ये लो ये पूरी ब्लूबेरी रखी हुई है भैया ने, एवोकाडो। जामुन भी आ गए, जामुन कैसे हैं? 480 रुपए किलो जामुन। तो भाई ये जामुन है 480 रुपए किलो, यार इतने महंगे तो आम वो भी नहीं है, सेब भी नहीं है, ये तो हम पेड़ों में तोड़ के लेके तोड़ कर खाया करते थे। तो गाइस टाइम हो चुका है, रात के 11 बज चुके हैं और हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग करने कहाँ जा रहे हैं, सैटरडे मार्केट जा रहे हैं। कुछ सामान सामान डॉली ने लेना था, छोटा मोटा चिल्लर वाला, तो मैंने कहा चलो यार सामान सामान ले आते हैं। और डॉली हो रही है तैयार और निकलने के, आइसक्रीम कुल्फ़ी छोले भटूरे खाना खा चुके हैं गाइस, भिंडी के साथ खाना खा चुका हूँ, भिंडी खाई है, भिंडी ज़्यादा स्पाइसी बन गई थी भाई मेरे से, तो खाई नहीं गई, मजे मजे में मसाले डाल दिए और उसके बाद मेरे से खाई नहीं गई है भिंडी। और डॉली कह रही है कि आप शुक्र है मैंने नहीं डाली है, अगर मैं स्पाइसी करती तो आप चिल्लाते। तो गाइस भिंडी ज़्यादा स्पाइसी मगर बनी अच्छी है ना काकू। लाइट बंद करके करके पूरा अपना व्यू दिखा के और डांस कर रहा है, वीडियो बना रहा है, वैसे लाइटें दूसरी चला दो। आजा मेरी माँ आजा, रात को गाइस 11 बज गया है, शॉपिंग करनी है। ये पता नहीं क्या पंगे ले रही है अब, अरे तू चलने सामान लाना पड़ जाएगा, बड़े सामान लाने, टोकरी वगैरह देख ले, छोटी छोटी लेनी है तो देख लूंगी, क्यों डब्बे लेने थे बंद वाले, पहले जो चीज मिल रही है वो तो ले ले बाबू, तू ये देख ली डब्बे का, और क्या लेना उसको, आया समझ, और रश लगा हुआ है 11:30 बजे भी रात को देख ले। तो गाइस दो टोकन ले लिए, टोकन किसके लिए, कुल्फी फलूदा के, स्पेशल कुल्फी फलूदा भैया, ये बनाते हैं कैसे हैं, पहले कुल्फी को लेते हैं और आराम से कट कर दिया है, छोटे छोटे हैप्पी बर्थडे कर देते हैं साथ में। बड़े टाइम के बाद स्ट्रीट फूड में कुल्फी खा रहे हैं ना डॉली, बहुत टाइम के बाद। अब आते ही कहां मार्केट, कितने टाइम के बाद आया सैटरडे मार्केट। और इस ये क्या होता है, सेवैयाँ होती हैं मीठी वाली, फलूदा होता है गाइस, फलूदा चले गया। और ये इस पे शुगर सिरप जा रहा है दोनों पे, और ये रेड सब्जियाँ नहीं रखते आप हैं, चलो ठीक है सर, हो गए थे यार चारी भी, वो चारी खत्म हो गई,
चेरी नहीं, चेरी वैसे नहीं खाते सर, शुक्रिया। डॉली पकड़ियो। तो गाइस ये कुल्फी हमारी बनकर हो चुकी है तैयार। क्यों नहीं खा रहा? क्यों, क्या हुआ? आइसक्रीम खानी है? पता नहीं, अब चलते, 11:30 बज गया, चलते हैं, जो मिलेगा मिल गया, ठीक है, खा पी लिया, चलो घर। भाई साहब एक 5,00,000 वाली आइसक्रीम दे दो निकाल के, 5,000 वाली आइसक्रीम हम ही खाएंगे आज। चलो ये दे दो, जो बच्चा मांग रहा है वो दे दो यार। ये फीस आ क्यों नहीं, क्रैकल क्यों नहीं आ रहा फीस्ट वाला? पता नहीं, पहले तो ये ब्रोनी आता है ना, आलमंड ब्रोनी, वो भी नहीं आ रहा था। चलो ये दे दो जो मांग। तो गाइस आ गई है, ये गए थे शॉपिंग करने के लिए, कुछ नहीं मिला, फलूदा कुल्फी खा के आ गए, टोकरी लेके आ गई है 4-5। अरे सैटरडे पौने 12 हुए, सैटरडे मार्केट ऐसे लग रहा है जैसे दिन है। पौने 12 बज गए हैं, 36 हो गए ना, वो हम 11 बजे निकले थे, आधे घंटे में वापस आ गए। सारी चीजें खत्म हो गई थी, सब पैकिंग चल रही थी, इसको 2-3 बास्केट पसंद आई है, कुछ सामान सुन रखने के लिए चाहिए होंगी, डब्बे चाहिए, बॉक्स चाहिए, बोतलें, अभी वो बहुत सारी चीजें चाहिए। नहीं मैं वहीं पे जाऊंगा, मार्केट 99 में आप देखे आए थे, अच्छी थी। और भी सामान लेना था, चलो भैया थोड़ा। तो गाइस बाय बाय।